In this section, we are going to talk about the preferred habitat theory. So, it has been observed that investors have a certain preference for a bond of a specific maturity. So, we can say that there are distinct investors, or the, the customers of bonds, or the buyers of bonds can be categorized. Into different categories, that there are certain people who prefer to invest in medium term investment opportunities, there are certain types of people who prefer to invest in short term bonds, and there are certain types of people who prefer to invest in long term bonds or long term investment opportunities. But generally, we can state that most of the people it has been observed. Over the past so many years that most of the people being risk averse prefer to invest in short term bonds, so this is something which needs to be which needs to be understood clearly and when we say that preferred habitat theory explains that there are individuals who have a certain preferred habitat means they plan that they are going to invest in us. Specific bond with a specific maturity time, so they cannot they cannot be switched from one market, one type of category to another unless and until a higher yield is offered to them. So, for example, we we are saying that most of the people prefer to invest in the short term bonds.

और अगर आप उसको उसकी प्रफ़र्ड हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरी कैटेगरी में इन्वेस्ट कराना चाहते हैं तो फिर आपको एक बेहतर पैकेज हायर यील्ड ऑफ़र करना पड़ेगा और हमने ये भी यहाँ से सीखा कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनकी प्रेफरेंस ही होती है चूँकि ज़्यादातर इंसान रिस्क वर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े रिस्क लेना नहीं पसंद करते देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि रिस्क लवर्स होते हैं जो रिस्क हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं लिहाजा चूँकि ज़्यादातर लोग रिस्क रिस्कवर्स हैं और रिस्क रिस्कवर्स होने की वजह से वो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में मचोर होने वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं सो तो अगर आप उनको पाँच साल की मचोरटी वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कराना चाहते हैं या दस साल में या बीस साल में तो फिर आपको कुछ एडिशनल हायर हील्ड ऑफर करना पड़ेगा उनको उनके प्रफर्ड हैबिटेट में से निकालने के लिए आई एम गो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रफर्ड हैबिटेट थेरी यूजिंग दिस ग्राफ सो एज यू कैन सी दैट वी हैव टेकन यर्स टू मेचोरिटी ओवर द एक्स एक्सेस एंड द इंटरेस्ट रेट और द हील्स अलॉन्ग वर्टिकल एक्सेस सो एज अ बेंच मार्क और बेस We have drawn this horizontal straight line. Jo ke expectation theory ke yield curve ko explain kar. It means that we are saying it, What we are trying to say from this horizontal straight line is that whether the maturity is short term, whether a bond is going to mature in short term or in long term, the expectation theory says that the yield curve is going to be the same. और इट इज अ हॉर्जोंटल स्ट्रेट लाइन सो इट मीन दैट द एक्सपेक्टेड इन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड इज मोर लेस गोइंग टू बी द सेम एज एज वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फॉर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो हील्ड है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड के तकरीबन एट पार है दोनों बराबर हैं और अगर ऐसा हो तो फिर हमारे पास हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन आती है इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी या प्रफर्ड हैबिटैट का कर्व और इसमें क्या है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक को एक सर्टन फॉर एग्जांपल फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है राइट right? लेकिन इफ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड विच विल मेचोर इन फाइव ईयर्स आप इन्वेस्टर जो है वो लेना पसंद करेगा प्रीमियम इंटरेस्ट रेट जो कि हर हालत में पाँच फ़ीसद से इजाफी होना चाहिए क्योंकि इन दिस इज़ द सिचुएशन दैट ही इज इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट और यू वांट हिम टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड विच विल मेचोर इन से फाइव ईयर्स आपको एक एडिशनल हायर यील्ड ऑफर करना पड़ेगा या वो अपने पैसों को ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ज़्यादा हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि एक्सपेक्टेशन थेरी यील्ड कर्व से डिफरेंस लेके आ रहा है लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी को इस पर्टिकुलर डिफरेंस को हम लिक्विडिटी प्रीमियम कह रहे हैं इसका मतलब है कि द इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू बी कम्पनसेटेड फॉर बींग अवे फ्रॉम हिज मनी फॉर फाइव ईयर्स तो उसको कम्पनसेट करने के लिए उसको लिक्विडिटी प्रीमियम चाहिए और वो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं इट इज टू परसेंट राइट इसी तरह से अगर इफ समडी लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी कह रही है कि अगर किसी का जो या हम प्रिफर्ड हैबिटेट के कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर किसी का प्रफ़र्ड हैबिटेट है कोई इन्वेस्टर प्रेफर करता है कि वो दो साल में मेच्योर होने वाली बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करे और वो सपोज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा जो प्रीमियम मुझे मिलने वाला है या इंटरेस्ट रेट मुझे मिलने वाला है जो हील्ड मिलने वाला है वो सपोज सिक्स परसेंट है और आप उसको उसके प्रेफर्ड हैबिटेट में से निकाल के चाहते हैं कि वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स में मेचोर होने वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करे तो फिर आपको इस छः फीसद से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा ताकि वो अपने लिक्विडिटी यानी कि कैश से ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक दूर रहने के लिए कंपनसेशन एक्सपेक्ट करें आपसे ठीक है तो देन इट एक्सपेक्ट्स द लिक्विडिटी प्रीमियम एंड इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्रिफर्ड हैबिटेट फॉर दैट इन्वेस्टर वॉज़ फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट इन अ टू येटी बॉन्ड एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू कम अप विद यील्ड ऑफ सिक्स परसेंट यहाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव ईयर्स के लिए उस वो इन्वेस्टमेंट करा है तो सपोज हम एक्सपेक्ट करें कि अभी उसको छः फीसद की बजाय बारह फीसद हील्ड ऑफर किया जाएगा तो वो इन्वेस्ट करेगा अपने पैसों को ट्वेंटी फाइव ईयर्स के लिए सो लिक्विडिटी प्रीमियम थे इट्स नॉट जस्ट द एवरेज ऑफ द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का कंपेरिजन विद द लॉन्ग टर्म यील्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड में जो यील्ड आएगी उसके साथ ही सिर्फ वो मैच नहीं हो रहा इन्वेस्टर नहीं करता वो साथ में लिक्विडिटी प्रीमियम भी एक्सपेक्ट करता है सो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट from the perspective of the investors and from the in perspective of the people who are making these packages that yield different time period may mature hone bonds का. so preferred habitat theory explain further explain karne over here in this diagram i am going to show you four different types of graphs in this in this combination of graphs i am going to discuss each and every graph

तो इन दैट केस दील कर्व्ज विल भी स्लोपिंग अपवर्ड्स बट इफ द इन्वेस्टर थिंक्स या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं करेंगे मोरलेस अभी जैसे हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं उनमें तब्दीली आएगी मगर द राइज इज गोई टू बी नॉट दैट बिग इन दै इन दिस केस दील कर्व विल भी समथिंग लाइक दिस यू कैन कंपेयर दैट दिस इज रेलेटिवली लेस स्टीपर एज कंपेयर टू दिस वन जितना स्टीप है इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा तेजी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के जो हील्ड हैं वो फ्यूचर में इंक्रीज करने वाले हैं वेर एज यहाँ पे आपको जो आपका हील्ड कव है वो रेलेटिवली फ्लैट मिल रहा है सो वी कैन सी दैट देर इज अ देर इज एन इंक्रीज इन दील्ड इन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ओवर टाइम इन फ्यूचर बट द हील्ड दिस डिस्टेंस इज़ रेलिटिवली स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड इंक्रीज इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन दिस केस तो आपको स्टीपनेस से और फ्लैटनेस ऑफ द ही कर्व से अंदाज़ा हो रहा है कि फ्यूचर में जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के ऊपर हील्ड के इंक्रीज को कैसे देख रहा है थर्ड पैनल में आप देख सकते हैं दैट दील कर्व इज़ ड्रॉन एज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन विच देर इज दे थिंक दे आट इन द फ्यूचर द शॉर्ट टर्म यर गोइंग टू फॉल मॉडरेटली और इन दिस केस आपको यहाँ आप बिल्कुल ही हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है लेकिन अभी इसको अगर हम देखें गौर से तो दिस विल बी स्लाइटली गोइंग डाउन जो जो इसका फॉल है वो बहुत कम है मगर यह परफेक्ट वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं है ऑन द कॉन्ट्री वी हैव गॉट दिस फोर्थ पैनल In which the invert the yield curve is seen to be inverted or sloping downwards, that shows that in future the short-term interest rates are expected to fall, and the fall is going to be sharp. Means bohat short-term bonds ki yield fall karne wali hai in future, and this is what the investor is expecting. तो दीज एक्सपेक्टेशंस हैव इम्प्लीकेशंस और उसी हिसाब से जैसे ही इन्वेस्टर को लगता है कि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है वो फॉल करने वाला है वो इंक्रीज करने वाला है वो शार्पली राइज करेगा वो ग्रेजुअली राइज करेगा वो बहुत तेज़ी से फॉल करने वाला है या वो बहुत ग्रेजुअली आराम से स्लोली फॉल करने वाला है दिस हैज़ गॉट इम्प्लीकेशन ऑन द इन्वेस्टमेंट तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीशन हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होते हैं जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस चेंज होते हैं